सो है यो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है हमारे चैनल में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी तक लॉकडाउन ख़त्म नहीं हुआ, तो आज मैं सोच रहा हूँ कि घर बैठे बैठे रसगुल्ला बनाया जाए। बहुत ही सिंपल है बनाना, आप लोगों में बहुत सिंपल तरीके से बना के दिखाऊंगा। तो हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि 71% लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, जो पिछले 28 डेज की बात है, तो उन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। तो प्लीज़ उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, इट विल मोटिवेट मी। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग रसगुल्ला बनाते हैं। तो गाइस, हमें रसगुल्ला बनाने के लिए बस दूध और चीनी चाहिए। इन दोनों इंग्रेडिएंट से हम आज रसगुल्ला बनाएंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे, आप आराम से देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें कटोरी में दूध डालेंगे और इसे थोड़ी देर गर्म कर लेते हैं। तो दूध मैं आज आधा लीटर ले रहा हूँ, तो आपको अगर ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा ले सकते हैं, आपके ऊपर है कितना लेना है आपको। तो आप दूध इसमें आराम से गर्म कर लीजिएगा। जैसे ही दूध में थोड़ा उमाल आ जाए, उसमें अभी हमें इसको फटाना होगा। फटाने के लिए अभी हम नींबू या फिर विनीगर ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास नींबू नहीं है तो आप क्या करें, विनीगर 2 चम्मच इतना ऐड कर दें। अभी हम लोग इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच विनीगर, जिससे कि ये आराम से फट जाए। ऐड करने के बाद आपको इसे हिलाते रहना होगा, इससे इसे फटने में आसानी है। जैसे कि आप देख सकते हो, विनेगर डालते ही दूध फट गया। तो हमें जो ये ऊपर का ये जो क्रीम है उसे चाहिए, नीचे का पानी हमें बहा देना है। तो आपको इसे अच्छी तरीके से फटने देना है, उसके बाद इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये आप देख सकते हो अच्छी तरीके से फट गया है। तो अभी हम इसे निकाल लेंगे। अभी फटे हुए दूध को हम इसमें छान लेंगे, जिससे कि उसका पानी पूरा उतर जाए और सिर्फ वो जो मलाई है वो बच जाए। तो एक साफ कपड़ा लीजिए, तो उसके बाद उसमें इसे डाल दीजिए। इसे हम अच्छी तरीके से नॉर्मल पानी से धुला लेंगे, ताकि इससे विनेगर का टेस्ट मिट जाए। नहीं तो अगर हम इसे नहीं धुलाएंगे तो विनेगर का टेस्ट नहीं मिटेगा। तो अच्छी तरीके से इसे धुलाना है। तो फिलहाल अभी हम इसे थोड़ी देर सुखाते हैं, जिससे कि इसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए। तो अभी हम थोड़ा सा सुखाने में रख देते हैं। हो सके तो कम से कम 1 घंटे तक सुखाइए, तो जिससे कि ये पूरी तरीके से सूख जाए। जब तक ये सूखता है तब तक हम चाशनी बना लेते हैं। चलिए, तो चाशनी बनाने के लिए हम एक कटोरी में पानी उबालेंगे और उसमें चीनी डालेंगे। मैं इसमें 10 चम्मच चीनी डालने जा रहा हूँ, जिससे कि ये अच्छी तरीके से गाढ़ा बन जाए। तो हम इसमें 10 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। तो ये जब तक ये बनता है तब तक हम अपने जो मलाई था उसे गूंद लेते हैं। तो अभी हम फिलहाल इस मलाई को गूंद लेते हैं। अच्छी तरीके से गूंदना है, जिससे कि ये पूरा प्लेन हो जाए। और इसे गूंदने के बाद यहाँ से हम इसे एक राउंड शेप में बनाएंगे, लड्डू की शेप में, और इसे जो हमने चाशनी बनाया है उसमें हम डालेंगे। तो अच्छी तरीके से गूंद लीजिएगा इसे। हमने जो मलाई से लड्डू बनाया है, अब हम उसे इस गर्म चाशनी में डालेंगे और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। उसके बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे और इसे फिर रेफ्रिजरेटर में डाल के थोड़ा ठंडा करके फिर हम लोग खाएंगे। तो इसे डालते हैं अभी।
तो इसे 10 मिनट तक उबलने देंगे। सो लास्टली मेरा रसगुल्ला तैयार, अब हम इसे खाएंगे और खाने के बाद आपको मिलके बात करते हैं। सो गाइज, दैट वॉज इट फ्रॉम टूडेज वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मैक्सिमम लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मेरा हौसला बढ़ेगा। तो थैंक यू सो मच, अगर जिसने भी सब्सक्राइब किया, जो सब्सक्राइब नहीं किया वो भी थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, बी सेफ।